बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कानून टाट का तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड बना रहे हैं इसका। कानून टाट पांचवा पर्चा एलन पार्ट वन में होता है और इसके साथ टाट और ईजमेंट यानी हक आसाइश का भी सेक्शन शामिल है, उसके भी साथ साथ लेसन होते हैं और ये दोनों मिलकर एक अच्छा बनता है, लॉ ऑफ टॉट्स एंड ईजमेंट, कानून टाट और हक आसाइश। इसमें पहले कानून टाट के सवाल होते हैं और उसके एंड का जो सेक्शन है, सेक्शन बी जो है या पार्ट टू जो है, वो हक आसाइश का होता है। तो अगरचे इस पर कॉम्प्रिहेंसिव बात भी हो चुकी है, लेकिन आज का चीज़ा जो टॉपिक्स हैं इस पर बात होगी। इसके साथ साथ ये है कि हम आइंदा कल कोशिश करेंगे कि टाट के कानून से मतलब का लॉ केसेस सामने लाए जाएं, वो मूट केसेस सामने लाए जाएं, वो मकदमात जो फिर वाका अदालतों में प्रैक्टाइज हुए हैं उन मकदमात कि जिस तरह पीएनडी होती है पाकिस्तान लॉ डायरेक्ट की, इस तरह वो पीएनडी की सूरत में यहाँ पेश की जाएंगे कि अगर कोई मुकदमा फैसला करना हो और उसकी कोई मिसाल तमसील देखनी हो तो वकला साहिबान पीएनडी को तलाश करते हैं। वो पीएनडी होती है पाकिस्तान लॉ डायरेक्टरी या पीआरजे होती है पाकिस्तान लॉ जर्नल, और इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट एससीएमआर, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिपोर्ट होती है, इस तरह से एआईआर होती है। तो ये जो रिकॉर्डेड केस होते हैं कि वो कैसे केस क्या थे, पार्टीज कौन थी, उनके फैसले कैसे हुए, किन उसूलों पे हुए और जो लॉ के पढ़ने वाले लोग हैं या लॉ को प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं क्लास साहिबान है, उनकी गाइडलाइन के लिए इस तरह के फैसल शुदा मुकदमात का रिकॉर्ड होता है। तो इंटरकल हमारी कोशिश होगी कि ला से मुतलका कुछ दो चार केस जो हैं वो यहाँ बकायदा उनकी तहरीरी तौर पर एक मिसाल दी जाएगी कि इस तरह मुकदमा होता है, फला महीना मुकदमा होता है, उसमें दावा ऐसे दायर किया जाता है और उसका जो जवाब दावा है वैसे दायर किया जाता है। और फिर जिस तरह आज भी कुछ एक टॉपिक पे बात होगी कि कौन लोग मुकदमा कर सकते हैं या किन के खिलाफ मुकदमा हो सकता है और कौन लोग मुकदमा काट कर नहीं कर सकते और किन के खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता, इसमें बात होगी। लेकिन जो केसेस हम पेश करेंगे उसमें भी ये बात मौजूद होगी। आज हम इस वार्डबोर्ड पे आज के इस लेक्चर में सबसे पहले का हमारा टॉपिक है हक आसाइश का उसूल और खात्मा। तो चूंकि ये कानून टाट में हक आसाइश का एक सेक्शन है तो ये दोनों सेक्शन मिलती जुलती है, अच्छा बनता है। तो ये थोड़ा सा लंबा है हक आसाइश का उसूल और खात्मा, ये दो टॉपिक हैं जिनमें सवाल जो है एक ही सवाल आता है जिसमें ये दोनों टॉपिक पूछे जाते हैं कि हक आसाइश हासिल कैसे किया जा सकता है और वो खत्म कैसे हो जाता है। इस पर थोड़ा सा संजीदगी से गौर करने की बात है। और हक आसाइश जो है ये होता क्या है, इसके लवाजमात क्या है, ये किसको मिल सकता है, ये किसको मिल नहीं सकता। हक आसाइश जो राइट ऑफ द ईजमेंट है, ईज इजी सहूलत आसाइश आराम या सहूलत, असल इसका जो मफहूम है वो सहूलत है। एक आदमी को कोई मुश्किल पेश आ रही है किसी काम के करने में या वो काम होता है, उस काम को सहूलत किसने बचाए, किस जगह से किस जरिए से बंदे को वो मुश्किल हल करने में सहूलत मिली। एक नेगेटिव कंसेप्ट चीज का चल रहा होता है आजकल भी अदालतों में, कोई जुर्म होता है तो उसको कोई सहूलतकार भी होता है, चाहे वो साक्षी हो,
वो उसका शरीक जुर्म हो, लेकिन वो सहूलतकार का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ये मतलब से मनफी मानों में है कि ये जुर्म करने में किसने किसकी मदद की, तो वो शरीक जुर्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो सहूलत का लफ्ज है या आसाइश का लफ्ज है, इससे मतलब ये है कि किसी शख्स को किसी दूसरे जरिए से कोई सहूलत मिलती है, कोई आसाइश मिलती है। वो क्या है, इसका बुनियादी तसव्वुर तो यह है कि एक शख्स की अपनी कोई प्रॉपर्टी है, अपनी कोई मकान है, दुकान है, कोई शॉप है, कोई जगह है, कोई ब्लॉक है, वो उसकी जरखरीद है या वो उसका मालिक है। लेकिन वो वहां पहुंचने में एक दुश्वारी फील इसलिए कर रहा है कि शायद पहले उसको सहूलत मयसर हुई हो जब उसने वो जगह बनाई थी या ली थी या खरीदी थी, अब वहां पर तो सैलाब आ गया, कोई दीवार टूट गई, कोई जो है जया हो गई, साइड रेयर हो गया, तो अब उसको अपने उस जगह पहुंचने के लिए रास्ता महदूद या मसदूद है, वहां पहुंचने में उसको दिक्कत होती है। जब तक कि वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी ना इस्तेमाल करे, दूसरे की जमीन से ना गुजरे, से दूसरे की सेहत से ना गुजरे या दूसरे की जगह इस्तेमाल ना करे, तब तक वो अपनी जगह पे नहीं पहुंच सकते। तो इस हाल से जब वो किसी का सहन, किसी का पिछवाड़ा, किसी का जमीन, किसी की बाग, किसी का कोई रास्ता इस्तेमाल करता है तो वो अपनी जगह पहुंचता है। तो कानून टाट ने, कानून हक आसाइश ने उस शख्स को ये सहूलत मुहैया की कि वह अपने जगह पर पहुंचने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए वो दूसरे की जमीन, जायदाद, बाग, रास्ता, सहन, कोई दूसरे की जो जगह है वो इस्तेमाल कर सकता है। अतः कि अगर वो अपना घर ऐसा बनाता है कि उस घर में वो खिड़की बनाता है, वो रोशनदान बनाता है, और वो खिड़की और रोशनदान ऐसी जगह बनाता है कि जहां से दूसरे के मकान में, शहर में वो खिड़की या रोशनदान खुलता है, जब दूसरे की रोशनदान दूसरे के शहर में या प्राइवेट जगह में खुलता है, उसकी फैमिली के बैठक में खुलता है, तो वो शख्स इतराज भी करता है, ये कर सकता है कि ये खिड़की और ये जो रोशनदान है ये हमारी प्राइवेसी को मुतासर कर रहा है, तो आप ये यहां ना बनाएं। तो लेकिन अगर उस शख्स को रोशनी और हवा हासिल करना उसकी बुनियादी जिंदगी की जरूरत है, इस बिना वो ना उसको रोशनी मिलती है ना हवा मिलती है, तो वो खिड़की रोशनदान से बनाना जरूरी है। और फिर ये भी बात है कि जिस जगह उसने बनाया इस जगह के अलावा किसी दूसरी जगह वो नहीं बना सकता, जगह में असर नहीं, एक वही जगह है जहां वो खिड़की रोशनदान बना सकता है। और हर उस शख्स का ये बुनियादी हक है, हक आसाइश है कि वो रोशनी और हवा को इस्तेमाल करे, हासिल करे। कोई बंदा, कोई दूसरा आदमी किसी को मना नहीं कर सकता कि तुम ये रोशनी ना हासिल करो, तुम ये जो है हवा ना हासिल करो, क्योंकि हवा और रोशनी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, हवा रोशनी पे किसी का कब्जा या किसी की खसूसियत नहीं, और वो हर शख्स के लिए वो हासिल करना राइट होता है, राइट की कामन होता है। तो अब वो कानून टाट ने उसको ये इजाजत दी है कि वो बंदा मना नहीं कर सकता, अब खिड़की बनाए अब रोशनदान बनाए, मना करता है तो कानून का दरवाजा खटखटा कि ये क्या मैंने खिड़की बनाई या रोशनदान बनाए, ये बंदा जो है मुझे मना करता, इल्ला के आपके पास मुतबादल जगह है। आप अखलाकी तौर पर अपने पड़ोसी को मत डिस्टर्ब करें अगर आपके पास कोई मुतबादल जगह हो, अगर मुतबादल जगह नहीं है वहां जगह बनाए बगैर, तो आप उसको, वो बंदा, वो पड़ोसी आपको मना नहीं कर सकते। ये जो सहूलत है ये किसी बंदे ने आपको नहीं दी है, किसी फर्द ने, पड़ोसी ने, किसी ने अखलाकी बुनियाद पर, एताब की बुनियाद पर नहीं दी, बल्कि ये आपको बुनियादी हक है, आप मतलब उसको हासिल कर सकते। इसी तरह वो जो प्लॉट था जिसपे आपने पहुंचना था, आप जब तक उसके सेंस से गुजर के न जाए, उसकी जमीन से गुजर के न जाए, उसके बाग से गुजर के न जाए, आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो लिहाजा
फिर वो मना करता है, तुम मेरे सहन से मत गुजर के जाओ, तुम मेरे बाग से मत गुजर के जाओ, तुम मेरी फिना रास्ते से, तो वो मना नहीं कर सकता। कानून इसकी इजाजत, कानून इसकी सहूलत और आसाइश मुहैया करता है हर उस शख्स को जिसका ये बुनियादी हक है कि उसकी एक गालब हिस्सा, एक प्रॉपर्टी, एक जर जगह है, वो उसको इस्तेमाल कर ले। और जिस बंदे की कोई जर खरीद, कोई हक आसामी, कोई अपनी जगह है, कोई दुकान है, कोई मकान है, कोई प्लाट है, कोई जमीन है, कोई बाग है, तो उसको इस्तेमाल करना उस हक है। फिर कोई बंदा उसको मना नहीं कर सकता, कानून काट में उसको इजाजत दी है। ये जो सहूलत है या आसाइश है, इसको कहते हैं हक की आसाइश। और ये राइट ऑफ इजमेंट है, बंदे को इजी करना है, उसको ईज देना है, उसको सहूलत देंगे। तो कानून ने इसकी इजाजत दी है, किसी का ये एहसान नहीं है उसके। हाँ, ये जरूर अखलाकी तौर पर कानून है सही, और जो हदायत है इसके बारे में वो भी है कि आप अपने पड़ोस को, जो कि मजहबी और अखलाक के बुनियादों पर भी आपने एक अशद की जिंदगी गुजारनी है, एक सोसाइटी में आपने जिंदा रहना है, तो कल हो सकता है आप भी उस शख्स के साथ कोई मुताजिर बन जाए, कोई जरूरी बन जाए। तो लिहाजा मिलजुल के रहें, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हुए रहें, और जिद ही करके मैं ही मैं करूँगा तुम रोक ही सकते, वरना ये होगा वरना वो होगा, ये तर्ज अमल नहीं अख्तियार करना चाहिए। तर्ज अमल ये अख्तियार करना चाहिए कि ना ये कानून भी मुझे इसके दिया है, सहूलत दी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास तो कोई मुतबादल जगह नहीं है, मुतबादल कोई तरीका नहीं है, आपके पास कोई मुतबादल रास्ता है तो मुझे बताएं, मैं वो करूँगा, आपको क्यों तुम करूँगा। हत्या कि अगर किसी की जमीन से पानी, कोई चश्मा, कोई बोली, कोई नलका, कोई टैंकी दूसरे की जमीन में है, आप पड़ोस में उस वॉकिंग डिस्टेंस में है, और उस पानी के अलावा कहीं पानी नहीं, या दूर बहुत बढ़ तो आपके पास कोई जरिया नहीं है कि आप अपनी जिंदगी के बुनियादी तकाजों को पूरा करने के लिए वो पानी आ सकते हैं, पानी बुनियादी जरूरत है इंसान की, उसकी जमीन में है। बावजूद इसके कानून का इजाजत देता है कि आप महदूद पैमाने के, जितना महदूद आप उसको कर सकते हैं, किसी की जमीन को जाया भी ना करें, उसके तंग भी ना करें, और उसको एक मुखालफत का मैदान भी ना क्रिएट करें पड़ोस में, अड़ोस में। और लेकिन ये जरूर है कि कानून आपको यह सहूलत भी मिला करता है कि आप महदूद तरीके से वो पानी लाएं अपने लिए वहां से उस जमीन से। अगर नलका लगा कर नहीं लाने देता, नाली बना कर नहीं पानी लाने देता, उसकी चीजें होती हैं, आप बर्तन में पानी उठा लें, यानी कम से कम डिस्टर्बेंस के साथ उसकी जमीन का पानी आप इस्तेमाल कर सकते, और कानूनी तौर पर उसे ये देना होगा। अलबत्ता अखलाकी बुनियादों पर जो आप एक इंसानी तरीका कार अख्तियार करते हैं, अखलाकियात करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, दूसरे की जरूरतों को तावन के साथ पूरा करते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। कानून का ज्ञान तो फिर क्या है कि बाज रास्ते ऐसे होते हैं, सड़कें होती, रास्ते होते हैं, पुल होते हैं, गुजरगाहें होती हैं, कब्रस्तान होते हैं, देश अमलात की चीजें होती हैं, तालाब होते हैं, पुराने जमाने में गाँव में आदमी कहीं तालाब होते हैं, वहाँ माल मवेशी पानी पीते हैं, सब लोग देश अमलात की चीज होती है, तो वहाँ सबको वो रखे आसाइश उसका होता है वो भी। तो जब आपके पास कोई, आप देश अमलात की उन चीजों को तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका घर उस देश में हो, आप भी अपने कोई घर ही नहीं है वहां पे, उस चाहे किराए का हो या चाहे अपना हो, लेकिन आप वहां रहायश पजीर हैं, तो आप उस देश अमलात की चीजों को हासिल कर सकते हैं और आपको उसको राइट है। अगर आप वहां पर मुकीम नहीं है, फिर आपका राइट नहीं बनता। अगर आप चार दिन भी करें और दस दिन किसी दूसरे जगह है, फिर भी आपका राइट नहीं बनता। तो कहने का मकसद है कि हक के आसाइश हासिल कैसे होता है,
हासिल तभी होता है कि जहां कहीं आपने अपनी जायदाद प्रॉपर्टी रहायश नाकजीर हो या कोई चीज आती है आप उसको देखभाल करते हैं, बाग है, ब्लॉक है, घर है, तो वो आप किसी दूसरे की जगह, रास्ता, पानी, उसका सैन, उसका कोई जगह ऐसी जहां कहीं उसको बनाए रास्ते कोई तकलीफ ना पहुंचती, और आपका मतलब भी होता हो, उसे इसलिए मना नहीं कर सकता कि ये रास्ता हमारे घर के सामने से गुजरता है भाई तुम ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो कहते हैं वो जगह नहीं है तुम्हें बताओ, मुझे सामने से नहीं गुजरू, लेकिन वो जो मेरा बुनियादी जरूरत है मैं उसको कैसे पूरा करूँ, और उसके लिए कानून ने मेरी बेबसी को देखते हुए मुझे ये सहूलत हासिल की। ऐसे हालात में तो आपको आके आसाइश मिलेगी, जबरदस्ती भी नहीं मिलेगा और कोई मांगा हुआ भी नहीं मिलेगा, मांगने वाले की बात नहीं, क्योंकि मांगी हुई जन्नत से दौलत का अजाब अच्छा। समझ लो आपको कानून आपको दे रहा है तो मांगी हुई जन्नत अलबत्त तरावन की जन्नत आपको उड़ा सकती, अखलाकियात को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि ये इस्लामी उसूल भी है और माशरे का कानून भी है। तो जब आपके पास कोई गालिब वरसा वो होता है कि जो आपका जर खरीद है, जो आपका अपना है, जिसका मालिक है, जिसका आपका आबस है, वो गालिब वरसा है। एक होता है मगलूब वरसा वो होता है कि जो किसी दूसरे की जमीन, दूसरे की जायदाद, दूसरे का रास्ता है, वो मगलूब वरसा है। तो गालिब वरसा होगा तो मगलूब वरसे को इस्तेमाल करेंगे, गालिब वरसा नहीं होगा तो मगलूब वरसा के होने का सवाल ही पता नहीं होता। मतलब मुझे कहा भाई यहां से क्यों मुझे कहां जा रहे हो, कहता पैसे जा रहा हूं, वैसे तुम क्यों जा रहे हो, कहीं कोई जमीन है, कोई मकान है, कोई दुकान है, कोई जगह है, तुम्हारी कोई अपनी चीज है, जो कहता नहीं तो फिर तो तुम नहीं बोल सकते, फिर तो किसी कानून से भी नहीं ले सकता, किसी टास्क से भी नहीं ले सकता। तो लिहाजा हक आशय तभी किसी को मिलेगा, right of easement is only available with the law, with the help of law, only when you have your own property, when you have your own possession of anything and you want to utilize that property by one way or other, and there is no alternative way to use that property unless you use the way of that which is being objected. उस जगह उस रास्ते के अलावा आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है तो फिर आपको वो लाजमी मिले। Nobody can make objection under the law if you have no alternative. And there is a guideline, the religious and the moral guideline, that you have to live to exist by cooperation, to make a coexisting system. Coexisting system means live and let live. Okay, this is the haq-e asayish ka usool ya haq-e asayish kaise milta hai, aise milta hai. Agar is haq-e asayish mil to gaya bande ko, wo use kar raha hai, wo rasta, wo pani, wo यानी एक और इसका हक असूल आसाइश का मिलने का तरीका है वो हक़े क़दामत का है। हक़े क़दामत क्या होता है, हक़े क़दामत ये होता है कि आप 20 साल से एक रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, 20 साल से एक पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, 15 साल से आप एक जो है वो माल मवेशी का तालाब इस्तेमाल कर रहे हैं, आज आप उनको मना नहीं कर सकते, 20 साल किसी ने आपको नहीं रोका तो आज वो आपका हक़े क़दामत बन गया। इसको अंग्रेजी में प्रिस्क्रिप्शन कहा है, द राइट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये राइट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज योर्स बिकॉज यू हैव बीन यूजिंग दैट थिंग फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स। महकमा माल वाले इसको कब्जा बुखार होना कहते हैं। कब्जा बुखार होना एक जमाने में कई आज से 15-20 साल पहले की बात है, या कुछ ज्यादा है, कि 12 साल का वक्त होता था कि आप किसी चीज पे काबिज हैं 12 साल से, किसी ने इतराज नहीं किया, चाहे वो जीरो जंगल है, चाहे वो किसी की जमीन है, चाहे वो देश अमदाद है, चाहे वो कोई चीज है, लेकिन 12 साल से आपने उसको
कब्जा जमाए रखा, नोबडी ऑब्जेक्टेड यू, किसी ने आपको रोका नहीं, गवर्नमेंट ने या आवाम। तो 12 साल के बाद वो कब्जा मुखालफाना के तौर पे आप उसको अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं, अपने नाम मलकियत बना सकते हैं। अब वो कब्जा मुखालफाना या जिसे हम आखिर कदामत कहते हैं, वो 12 साल से पहले 20 साल पे गया है, आप वो 20 साल से 25 साल चलेंगे। अब अगर कोई शख्स किसी जगह पे 25 साल से बिना एतराज काबज है, 25 साल के बाद कोई बंदा उसको रोक नहीं सकता, वो प्रॉपर्टी वो अपने नाम करा सकता है। ये कानून है, इस कानून का कि वो कहते हैं जी 25 साल से जब दोस्त कुनाल रकबा मेरे जेरे कब्जा मेरे जेरे इस्तेमाल है, कोई मोदरिज नहीं, पड़ोस में गवर्नमेंट में प्राइवेट में किसी ने जाने, लिहाजा आज 25 साल पूरी हो गई, आज मैं बुलाता हूँ अपना अपना माल में देता हूँ, ये मेरे नाम मुंतकिल करो, मेरे नाम इंतकाल करो, तो ये कानूनी हो सकता है, लेकिन आफ्टर 25 ईयर्स। ये क्यों होता है? इसे हक कदामत कहा जाता है, इसे राइट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो इस तरह भी हक आसाइश किसी चीज का आपको मिल गया, वो जगह आपने खरीदी नहीं थी, आप ऐसा उस पर कम से 25 साल हो गए, लिहाजा वो आपकी। तो इस तरह भी हक आसाइश मिलता है, कोई हक आसाइश कोई बातों का कोई अता कर देता है, एक अताशुदा प्रॉपर्टी भी होती है। अताशुदा कौन सी होती है? गिफ्ट होते हैं, मतलब किसी को फौजी को कर्नल को जनरल को मेजर जनरल को वो बड़ा पेंशन में लड़ा था, वो बड़ा आराम से जंगे लड़ी तो उसको जागीर मिली। पिछले जमाने में जागीरें मिला करती थी, अंग्रेज के जमाने में भी था और उसके बाद जनरल भी मरते मिल जाते हैं जनरल को, तो उनको उनको तो वो जो मरबे मिलते हैं वो एता होती है, उसको कहते हैं डेडिकेशन। अगर किसी को मुरब्बा मिला हुआ है तो वो मुरब्बा भी किसी खिदमत के कुछ मिल गया वो अपने नाम कर सकते, लेकिन वो आपके आसाइश नहीं है, वो क्या है? वो अता है, किसी ने गवर्नमेंट ने किसी ने अता कर दिया, गिफ्ट दे दिया, दैट इज नॉट आपके आसाइश। तो इसमें फर्क होता है, क्वेश्चन आता है कि अता की हुई चीज और आपके आसाइश में क्या है? मेरे वजह पर क्या कि कोई बंदा होता है वो निभा कर देता है कि बेटे को बेटी को किसी को किसी पसंदीदा बंदे को अपनी जायदाद का एक बड़ा तीन हिस्सा उसने उसको निभा कर वो उस पर मालिक है, उसका जिसको हिम्मत चला गया वो महूब ले है वो उसका मालिक है, वो आपके आसाइश वाला नहीं है। इसे डिफरेंट आपके आसाइश में किसी की जमीन है आप इस्तेमाल करें, आपके नाम नहीं है, आप उसके मालिक नहीं है, आप अपनी गलत हिस्से के मालिक, वो मगलूब हिस्से। तो लिहाजा बात है कि उसूल आपके आसाइश मिलने के पर बहुत सारे रास्ते हैं, तरीके हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि आपके आपके आसाइश किसी को जो मिल गया वो खत्म कैसे हो जाता है। एक बंदे के पास कोई प्रॉपर्टी थी, वो दूसरे से घर से रास्ते से गुजर रहा है, बाग से गुजर रहा है, लेकिन एक टाइम आया कि उसको मना कर दिया गया, बस अब तुम कल से नहीं आ सकते। तो वो कल से क्यों नहीं आ सकते? इसका मतलब ये होगा कि वो हक ऐसा है कि उसका खत्म हो गया। कैसे खत्म होता है आपके ऐसे, जबकि हम बता रहे हैं कि 25 साल खत्म होगा, बल्कि आपकी कदम जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना वो हक कदामत में कदीम बनता जाता है, इतना ज्यादा वो पक्का होता जाता है। लेकिन यहां वो कहता है कि आपके आसपास कभी खत्म होता है, कैसे खत्म हो जाते हैं? बंदे को मना कर दिया, कल ना गुजरना भाई, तो देयर शुड बी अ रीजन व्हाई ही इज बीइंग स्टॉप्ड। द रीजन इज दैट हिज इजमेंट राइट हैज बीन अबॉलिश्ड, देयर इज नो मोर राइट ऑफ इजमेंट ही कैन यूज।
There are many reasons. And there are the ways and the methods by which the right of the easement can be finished. But is there? अकेला सच खत्म होने के दो तीन चार रास्ते तरीके या वजूहत है वाला बंदी. सबसे पहली वजह यह है कि अगर तो वो जो प्रॉपर्टी बंदे की थी, वो जो सफेदी हुई थी, वो प्लाट था, वो जिसके लिए वो ज्यादा था, वो दुकान थी, वो मकान था, उसने वो बेच किसी को फरोख्त कर दी. अब वो प्लाट उसके नाम नहीं है, वो प्लाट दूसरे के नाम है जिसको उसने बेच दिया. He is not anymore owner of that plot, of that property, because he has sold it to any other person. Because he is no more the owner of it. And when there is no ownership of any property, you cannot have the right of easement. Because the right of easement is only given by the law. When you are having your own property, नहीं है वो जगह बेच दी उसने बंदे ने. अब जिसको बेच दी है वो हक उसके साथ मुंतकिल हो गया. वो जो हक ऐसा उसको मिला हुआ था, अब उसको मिल चला गया, क्योंकि अब उसके बजाय वो जाएगा ना प्रॉपर्टी, वो जाएगा कहां से, रास्ता तो फिर भी उसे कोई समझ तो ना पड़े. लिहाजा अब क्या है, उसका राइट ऑफ इजमेंट खत्म हो गया, क्योंकि उसे जगह दे. तो अब अगर वो वहां से गुजर के जाता है, कहता है कि मैं वो जगह ना मैंने मिल की, लेकिन ये रास्ता मुझे छोटा पड़ता है, मैं उधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, वो कहते हैं छोटा पड़ने वाला काम नहीं है, आप तुम नहीं गुजर सकते, आप तो वो गुजरेगा जिसकी है. और राइट ऑफ इजमेंट जो है वो मुंतकिल हो जाता है प्रॉपर्टी के साथ, मुंतकिल जिस प्रॉपर्टी के है वो राइट देते हैं. अब वो बंदा जो अब उस जमीन का मालिक है, ठीक है कि वो अपने अखलाकियात इस्तेमाल करेगा, वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेगा. He has to live his own life by his own ways, by his own morality and the rules and the laws etc. लेकिन उस बंदे का वो राइट ऑफ इजमेंट खत्म हो गया जिसने उसको सोल्ड किया. इट्स नो मोर जमा. एक तो इस तरह से वो हक का आखिर सच बंदे का खत्म है, जबकि बुनियादी प्रॉपर्टी नहीं रही थी वो, उसी की बुनियाद में तो जा रहा था अब. दूसरा कहती है वो राइट खत्म हो जाते हैं जब बंदे ने कोई ऐसी गैर अखलाकी हरकत कर दी, कोई ऐसी ज्यादती दूसरे बंदे के साथ कर दी, उस मगलूब हिस्से के साथ, या उसको नुकसान पहुंचाया, और वो नुकसान पहुंचाने का उसको राइट नहीं था, तो जो कानून सबके लिए वो कोर्ट में चला जाएगा कि जी ऐसे नुकसान किया, ये बेइज्जती की, ये किया, ये कानून ट्रॉट में, क्योंकि सिविल लॉ में ये कानून ट्रॉट इज सिविल लॉ, ये फर्द का फर्द के खिलाफ मुकदमा है, फर्द का हुकूमत के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है, ये दीवानी है, ये फौजदारी नहीं है. दीवानी में एक फर्द दूसरे फर्द के खिलाफ जाता है और एक फर्द दूसरे खिलाफ फर्द के हक की खिलाफवर्जी करता है. तो जब वो खिलाफवर्जी करता है तो अदालत इस छीने हुए हक को बहाल करती है, सजा नहीं देती. दीवानी मुकदमात में सजा नहीं होती, दीवानी अदालतें सजा नहीं देती, दीवानी अदालतें हुकूक बहाल करती है. किसी ने किसी का प्लाट छीन लिया, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी छीन ली, तो वो उसको वापस तो दिला सकती है, सजा नहीं देती. तो अब अगर किसी उस बंदे ने अपने मगलूब हिस्से वाले को, पड़ोसी को तंग किया, बंदा ही मार दिया उसको,
कौन इस बस्ती को बदअखलाकियात का मुजहरा हुआ जो उसने अदालत में जाकर दावा कर दिया कि उसे पूछे भी ये किया जो हुआ अदालत तो के सौ की फैसले करती वो कहेंगे इसकी मुदाखल बंद कानून ने सरकार ने अदालत ने इसको ये सहूलत दी थी लेकिन ये सहूलत इसने मिस यूज की ये मालिक ही बन गया इसका आते ऐसा है तो आते ऐसा ऐसा ये तो कब्जा कर लिया या का बंद तो इस सूरत में भी आरजी या मुस्तकिल पर और तो कल आरजी भी हो गया यार जब बंद करे जब तक किसी का नहीं हो वे वो मालिक मायका करेगा ये मैंने जो एडजस्ट करेगा बंदे या तो मुझे माफी दे दो या जरूर ना दे दो या कुछ करो अगर तो वो काबिल माफी है तो माफी दे दी तो बाहर हालात ठीक हो गए तो फिर जब तक भूखा रहा फिर उसने ढाल से दिखे तो इस तरीके से भी आपकी आसाइश जो है वो खत्म और बाहर भी हो सकता है लेकिन मछली जो कर फिर यह है कि आपकी आसाइश जो है इस तरीके से भी खत्म हो जाता है जब किसी उस मालिक की डेथ हो उस गरीब हिस्से के ओनर की डेथ हुई अभी तक उस प्रॉपर्टी में यानी जब डेथ हो गई तो उसका हक उसके मौत के साथ खत्म हो गया और जब तक उसका वारिस कोई उसका कोई ओनर वाला खरीदार आएगा तो देखा जाएगा लेकिन मैंने यस गाय His right of easement is finished then and there. Or tell you that the answer is also the same as the other. Jab hukumat ke waqt adalat apne kisi मकसद या जरूरत के मुताबिक वो जगह अपना ले 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 अप्लाई कर ले तो उस बंदे के साथ उसकी डीलिंग की हुकूमत हो या हुकूमत ने वो रास्ता बंद कर डैम बन गया भाई यहां पर ही बंद ये सड़क बन गई ये डायमेंशन लगी नोबडी कैन गो फ्रॉम देयर तो कोई भी जा सकता वो उसका राइट पे खत्म तो इन तरीकों से अख्तियार जो है वो खत्म भी हो सकता है या फिर वो जगह सैलाब में बह गई और रास्ते खत्म हो अब वहां को गुजरने जा रहा ये आफत अर्जी व समावी भी उसको रोक सकते कोई भी नहीं जाता उसका इंसान भी खत्म तो ठीक है तो नेक्स्ट प्रोग्राम के टाक में दाद रस्सियों और दफा بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قانون کاٹ کا آج یہ تیسرا لیکچر ہوگا جو ہم اس پہ ریکارڈ آن لائن میں کر رہے ہیں اور قانون کاٹ میں ایک چوتھا لیکچر بھی ہوگا جسے شاید ہم کنٹینیو کریں اور اس میں کوئی لا کیسز ہم ڈسکس کریں گے कि फला बना फला जो केस हुआ था वो कौन टार्ट का केस था उसमें किस उसूल के मुताबिक फैसला हुआ और ऐसे मुकदमात का मसाली तौर पर दिया जाएगा लेसन कि अगर कोई टार्ट का सिविल मुकदमा आ जाए तो वो अदालत में उसकी प्रोसिक्यूशन कैसे होती है और अगर कोई फैसला आए हक में या मुखालफत में होते हैं तो उसके क्या उसूल या जब्ते होते हैं दादरसियों से मराद यह है कि कोई टाट का मुकदमा करेगा तो दादरसी की प्रेयर करेगा दादरसी मांगेगा अदालत से ये हुआ है ये हुआ है ये मुझे रास्ता नहीं देता ये मेरी जायदाद से गुजरा है बिना इजाजत इसने मुझे जुदा को किया इसने मेरी
आपके इज्जत करता अजाला ऐसे कुर भी करती जो डर में जो डर चार चीजों का है। सबसे पहली बंदे की जात है, उसका जिस्म जान है, अगर कोई उसको तकलीफ पहुंचाए तो डांट है, खिलाफ वर्जी है, उसकी जाति आपके खिलाफ वर्जी है। दूसरा उसका आजादी का हक अगर छीन ले, पहले तो यहां बैठे हुए हो उठ नहीं सकते हो, बड़े रहो बड़े मालूम उसकी आजादी का हक उसे छीन, तुम इधर जा सकते हो इधर नहीं जा सकते, कमरे में तुम घूम सकते हो बाहर नहीं घूम सकते। कोई भी छोटी सी लेकर बड़ी तक उसकी आजादी जो है, चलने फिरने की बोलने की पाबंदी है, बैठे रहो बोलना नहीं है, ये भी आजादी का आप छीन लिया, बैठे रहो कहीं नहीं हो सकते, ये भी आजादी का। तो जिस वक्त कोई किसी का आजादी का हक छीनता है तो ये उसके हक की खिलाफ वर्जी है, ये भी टॉट है। मैंने कोई इससे भेजा गया था तो उसको 10 घंटे कमरे में बंद रखा, अगवा कर दिया, जाति जेल में रखा हुआ है, पर्सनल इंप्रिजनमेंट, अनलॉफुल इंप्रिजनमेंट, गैर कानूनी जेल में रखा, तो गया उसकी आजादी का हक छीन। तो ये जब छीना गया तो वो अदालत में गया, इवन के थानेदार ने 25 घंटे किसी को थाने में रखा, 24 घंटे से ज्यादा कोई थानेदार कोई थाना किसी शख्स को थाने में नहीं रख सकता, उसे अदालत में पेश करना होगा, अदालत से रिमांड या इजाजत लेनी होगी, फिर वापस आकर उसको डाल देगा। 10 दिन का रिमांड मिला, वो मारने का रिमांड मिला तो मारने तो जाएगा, लेकिन बिना इजाजत अदालत थानेदार इज नॉट एंटाइटल्ड टू पुट एनीबडी इन द जुडिशियल लॉकअप इन द पुलिस लॉकअप मोर देन 24 आवर्स। अब अगर 24 आवर्स से ज्यादा किसी बंदे को रखा गया ऑनली नेक्स्ट डे वो अदालत में जा सकता है। थानेदार ने मुझे 26 घंटे हो गए, 25 घंटे हो गए, इसने मुझे थानेदार इज लायबल टू बी पनिश्ड, जाकर उसको फारिग कर सकता है सदस्य या जो भी सुधार दे। तेरा में इसका राइट आपने 24 घंटे से ज्यादा, इसका ये हक है कि आप इसको नहीं छीन सकते, आपने 24 घंटे और 15 मिनट इसको क्यों रखा। तो कहने का मकसद है कि जब कोई अदालत में चला जाएगा अपने हक के छीनने के खिलाफ, तो अदालत से मांगता क्या है, दौदरसी मांगता है, उसने उसको अगवा कर दिया, उसने उसको जो है इससे भेजा में रखा, वो अगर मौका मिलेगा तो कोर्ट में जाएगा, वो कहेगा मेरे साथ ही के जो लोग आज भी हैं और थे भी मिसिंग पर्सन हैं, तो एजेंसी लेके गए हैं तो उनका तो कोई पता नहीं क्या मारेगा, लेकिन फिर ऐसा है कि बंदा अगवा हो गया भी तो किसी को पता ही नहीं, वो जाकर अदालत में या थाने में वो शिकायत करेगा कि जनाब ये हमारे बंदे को अगवा करके लेके पता नहीं कौन है, हैं तो ये तो टॉट है, अगवा करके लेके क्या वो अदालत में पटिशन दायर करेगा, रिट करेगा, और हाई कोर्ट रिट ऑर्डर करेगी कि रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस, अदालत ऑर्डर करेगी कि हाजिर रहो बंदे को हाजिर रहो, लग रहा है ये वो राइट है जो उसको दिया था, अदालत फौरन नोटिस देगी सो मोटो भी ले सकती है और जब शिकायत आ जाए भी ले सकती है। अगर अदालत को किसी दरखास्त भी नहीं लिया दे भी नहीं सकता, अदालत को पता चल गया कैसा हुआ है, अदालत खुद नोटिस दे दी कि उस बंदे को जो पावर हाजिर रहा। तो कहने का मकसद है कि ये वो दौदरसी है जो कोई शख्स अपने अगवा के खिलाफ मांगता है और उसे दी जाती है, अगर उसके खिलाफ टाट हुआ,
टाक सुन वो मदनी खता है, वो सिविल रॉन्ग है जो कानूनी तौर पर किसी के खिलाफ है। मसला अगर एक बंदा जाकर अदालत में पेश करे जी वो थानेदार ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे उसने हथकड़ी लगा दी, मुझे उसने दोहरे मार दिए, भाई बच्चा इसके खिलाफ तो वो तो तब्दील तो करेगा, तो लिहाजा इसकी दादा से उसे नहीं देखेंगे क्यों थानेदार ने दरियाज कर लेगा। ये उसको तो कानूनी ड्यूटी है कि वो बच्चे को गिरफ्तार करे, तफ्तीश करे, तो लिहाजा इसकी दादा से नहीं मिलेगी, इसका दफा पुलिस वाले अपने अपने हाथ में दफा पेश करेंगे कि यहाँ ये बच्चे के खिलाफ से बच्चा है, इसको तो हमें सर करना है, आज गाड़ी छोड़ी है, थप्पड़ मुक्के में थोड़ा बहुत इसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये तो करेंगे। लिहाजा दादरसी टाट में वही मिलेगी जहां आपके खिलाफ कोई गैर कानूनी काम हुआ है या आपका हक कानूनी है, आप उसके लिए मांगे। आपके खिलाफ गरीब का बच्चा हुआ है तो आप क्या दादरसी मांग रहे हैं, आपकी बात तो कानूनी नहीं है, आपको तो कोई नहीं सुनेगा। हाँ, जिसके हक कानूनी तौर पर जाया हुआ और उसका कानूनी हक था, उसकी दादरसी वो मांग सकता है। ठीक है, ask the court of law to give him the facility and the judgment in his favor. तो दादरसी से मराद ये है कि जब किसी के खिलाफ कोई मदनी गलती होगी, सिविल रॉन्ग हो गई, कानूनी तौर पर उसका हक छीना जाएगा तो फिर वो अदालत में जाएगा तो मांगेगा दादरसी, इंसाफ मांगेगा, तो उसे दीवानी अदालत है, टाक का मुकदमा दीवानी अदालत सुनती है, फौजदारी अदालत नहीं सुनती, क्योंकि टाक बंदे और बंदे के दरमियान है, नथु बनाम खैरू, नथु बनाम सरकार नहीं हो सकता, नथु बनाम सरकार होगा तो यह फौजदारी मुकदमा हो जाएगा, या सरकार बनाम नथु होगा तो यह सरकारी मुकदमा हो जाएगा, लेकिन नथु बनाम खैरू है कि यह सिविल है, बंदे और बंदे के दरमियान यह मुकदमा है, तो टाक चूंकि सिविल मुकदमा है तो ये उसी वक्त चलेगा और दादा से मिलेगी जब किसी शख्स का कानूनी हक दायरा हुआ। और कहते हैं कि दफा क्या होता है, दादा से और दफा, दफा ये होता है कि दादा से नहीं मिली, जिसके खिलाफ एफआईआर का मुकदमा हुआ उसने अपना दफा कर लिया, उसने कहा मैंने थोड़ी ला दू, मैं तो आखिर लूंगा, लाठीचार्ज बंदे को छड़ने लगी, जो गैस लगी वगैरह वगैरह, वो चला गया अदालत में, देखा जी बड़े सरों ने मेरे पर आंसू गैस के घोड़े भी गए और इन्होंने मुझे छड़िया मारी, पहले तो खुद था आज वो बचपन था और वहां पर ये था जो भी था, तो वो बड़ी सर को कुछ भी अगर तुमको पूछे माहौल पता चल जाएगा अदालत को भी इसलिए इसको मिला, तो अगर पूछे भी दबाव में लाठीचार्ज किया है तो हमारा कानून है, लाठीचार्ज में ये भी कहीं घुस गया होगा, आंसू गैस को इसलिए तो हमने नहीं मारा, हमने तो एक काम किया है, तो ये क्या है कि अगर पुलिस के खिलाफ कोई टाट में जाए तो पहली बात तो ये है कि पुलिस क्योंकि सरकार है तो सरकार के खिलाफ कोई काम होगा तो वो दीवानी नहीं होगा, वो जारी होगा, लेकिन अगर कोई ऐसी नोयत होगी कि ये बंदे ने बंदे के साथ जाती रहेगी कैसे होगी ये होगी, वो कहते हैं मेरी ड्यूटी थी, मैंने काम नहीं काम किया, लिहाजा उसके खिलाफ टाट का मुकदमा नहीं हो सकता, वो अपनी जवाबियत पेश कर दी, अपना दफा पेश कर दी। अब इंस्पेक्टर ने सिपाही होकर गोली चलाई, गोली चलाई अब आई फाई कोई मजमे को बैठाना है, क्या करना है, मुंतशिर करना है, रोड़ा बड़ा हो गया, तो उसने सिपाही को कहा अब हवाई फायरिंग करो, उस पर हवाई फायरिंग की, अब कोई बंदा जख्मी हो गया मर गया, अब पता भी चल गया कि फलाना पुलिस वाला ये काम कर रहा था तो उसकी गोली से ये हुआ, ये वो सारा रिकॉर्ड पेश करने के लिए ये हुआ, लेकिन पुलिस अपने दफा में
क्योंकि वो उंगली टच करने के लिए आपको इजाजत दी थी? कहीं नहीं, मैंने तो नहीं दी थी। उसके बाल वो ब्रश नहीं कर सकते, उसके कपड़े ब्रश नहीं कर सकते, इजाजत थोड़ी दी। अगर तो ये खफीफ बड़ा थोड़ा सा किस्म का जो है वो टाट है, लेकिन इजाजत तो हमने इसकी भी दी। जब तक रजामंद ही ना हो आप उसको टच करते हैं तो वो कोई माइंड नहीं करता तो ठीक है, इसका मतलब उसने एग्री कर लिया। अगर उसने अग्री नहीं किया तो फिर और एग्रीमेंट जो है कोई रजामंदी से जो काम हो उसके खिलाफ अदालत में नहीं जा सकता। दो बड़े खिलाड़ी हैं, रसलर है, रसलिंग जब हो रही होती है तो खेल हो रही होती है, वो वॉलंटियर खेल हो रही होती है, वो जो खिलाड़ी होते हैं उनके दरमियान एग्रीड होता है कि ये खेल है। एक रसलर ने उठा के मारा दूसरे को, पसी तोड़ दी, कुंदा निकाल दिया, मोहम्मद अली ने मुक्के मारे तो मुंह तोड़ दिया उसको, केस नहीं हो सकता, मुकदमा नहीं हो सकता, टाट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि ये तो रजामंदाना काम था, कितना बड़ा काम ही हो जाए, कंधा उतार दिया, टांग तोड़ दी, कुर्सी कुर्सियां मार देते हैं ये रसलर, लेकिन गए तो ये तो क्या रजामंदाना फेल है। जुर्म पड़े इस रजामंदी से ये कर रही होती हैं, अपने दाव पेच लगा रही होती हैं, दाव पेच लगाने लगा रहा हूँ कि दस ठीक है, ठीक है तुम मेरे खिलाफ दाव पेच लगा सकते हो, मैं तुम्हारे खिलाफ। तो अगर ऐसी सूरत में कितना बड़ा नुकसान भी क्यों हो जाए तो क्या नहीं हो सकता? मुकदमा बिकॉज इट दिस इज द एग्रीड एक्शन विच यू हैव डन। इसी तरह से टार में भी जब तक किसी की रजामंदी नहीं है, अगर आपने कोई काम किया तो वह जबर किया, ये जबर है कि बंदे को कहा तुम बाहर नहीं जा सकते कमरे में जाओ, जबर है। तो लिहाजा जबर भी टाट के मुताबिक, कानून टाट के मुताबिक ममनू और मुदाखलत भेजा, मुदाखलत भेजा भी बड़ा शॉर्ट है, मुदाखलत भेजा घर में आया बंदा, बिल नहीं दी, इजाजत नहीं दी, दस्तक नहीं दी, अंदर आ गया मुदाखलत भेजा। इवन के काम ही बैठा भेजा पढ़ रहा है, मुदाखला कर रहा है अपनी प्राइवेसी में है, बिना पूछे उसे रूम में आते चले गए, वो ये कह सकता है कि आपने नोट किया, मैं कोर्ट में आपको खिलाफ हूँ, मैंने आपको जब दी कि आपने मुझे फोन करके बुझा मैं आपको नहीं दी, मदाखलत दर माकूलात इसको कहते हैं, डायरेक्ट इंटरफेरेंस, अनपरमिटेड इंटरफेरेंस, विदाउट परमिशन इंटरफेरेंस एंड इंट्रेंस। एक बंदा दरवाजे में आता है, गेट पे आता है, वो गेट तो खुला हुआ है, वो अंदर आ गया, खुला हुआ भी है तो क्या चाहिए, वो दस्तक दे, वो बेल करे, पूछे कि मैं बड़ा बंदा हूँ अंदर आऊँ, तो ये सुनियो सुन भी है और कानून का। तो ज्यादा अगर ये काम नहीं करेंगे तो अपने जबर के तो जबर की जाए भाई, मदाखलत भेजा की जाए भाई, नेक्स्ट हमारे टॉपिक है कौन अनाहत की बुनियाद पर कार्रवाई करना। किसी बंदे ने मुकदमा किया अदालत में किसी के खिलाफ, मुकदमा किया तो क्यों किया भाई मुकदमा, वो वकील की फीसें, वो जाने आने, वो तकलीफें, वो खर्चे, उसने सिर्फ कोई बहाना बनाया, असल में वो उसके साथ अनाथ रखता था, मुकदमा शायद वो कुछ नहीं बना, बाद में वो मुकदमा भी आ गया, मुकदमा सजा नहीं था, मुकदमा सजा नहीं था तो वो हार तो गया, वो मुकदमा तो हार गया, लेकिन उसने क्या किया, उसके ये मिली तक मैं इस पर अदालतों में घिसीजूंगा, खर्चे करूंगा, तारीखें डालूंगा, ये करूंगा जिसको मैं जो है सब सकूँ। तो वो ये जो कार्रवाई उसने दादी की है ये किस बुनियाद पर की है, अनाथ की बुनियाद पर, बुगज की बुनियाद पर, सजा देने की बुनियाद पर, अपना बुगज ठंडा करने के लिए। तो ऐसे
ऐसी कार्रवाई अगर साबित हो जाए, दबा 180 लगता है और साबित हो जाए, तो उस बंदे को वो सारे खर्चे देने पड़ते हैं जो मुकदमे में दूसरे बंदे के लगे। वक्त जाया करवाया, जुर्माना भारी जुर्माना उसे किया जा सकता है लाखों। तो टाट में अनाज की बुनियाद पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो ये काबिल पुरसुश है। This is a violation of the rights of a person when he has no due case and he has tortured him with this insist that he wants to teach him a bitter lesson. So this bitter lesson will be replied by the courts that you can also have the bitter lesson. When you will be fined in the hundreds of the thousands, and you have to pay the expenses of that man, you will get also a better lesson. Taat mein ek kate zimmedari kya hai? Ek hoti hai niyamti zimmedari, ek hoti hai kate zimmedari. Niyamti zimmedari ye hoti hai ki walidain par bachon ki zimmedari hoti hai. Bachon ko galti kare walidain par, shagird ki galti kare ustad ko, लोगों की गलती के लिए मारे को कुछ, ये नियमती जमाना कोई चीज की निगरानी में उसको कुछ, गुलाम कुछ करेगा तो उसके आका को कुछ। लेकिन ये तो नियमती जमाना है, एक वजह कतई कतई जिम्मेदारी उसकी है जिसने बहुत रही, हत्या के उसने दानिस्ता भी न किया हो फिर भी कतई जिम्मेदारी उसी हो, किसी और पे नहीं हो। कतई का मतलब उसी भी, मसलन मतलब जंगल से जा रहा था, खुश्क पत्ते और जंगल खुश्क और गर्मियों की जून था, वो सिगरेट पीते हुए जा रहे तो उसको इस बात की खबर नहीं, सिगरेट पीते हुए उसे जलता हुआ सिगरेट वो घास फूस में जो रास्ते में डाले वो चढ़ाए, थोड़ी देरी में वो तो आगे निकल गया लेकिन पीछे जंगल को आग लगी, आग लगी वो जल भी रहा होगा भाई, वो बंदा जा रहा था उसे सिगरेट भी नहीं, उसने कहा कि जंगल जल गया, घास जल गई, लकड़ी जल गई, खाने का नुकसान, खाने का नुकसान, गवर्नमेंट का नुकसान, वो ये किसने किया पता चला उसने किया, पकड़ लिया, तुमने जंगल जला दिया, नहीं यार मैंने तो नहीं किया, मैंने तो कोई आग नहीं लगाई, और आग तुमने लगाई ये जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, सिगरेट भी तुमने कहा तुमने पिया भी नहीं तुमने, आग किससे लगी तुम्हारी सिगरेट, तुम बुझा के नहीं उसको भी उसने ले, ये कतई जिम्मेदारी, उसको पूछा जाए विल बी कॉल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, विल बी कॉल्ड इन एनी फोरम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस और सामने यू हैव बर्न्ड दिस जंगल एंड यू हैव made these damages, you have to pay these damages. 1 million rupees you have to pay. Huh? 1 million rupees? Just to throw a piece of the burning cigarette and you have to pay 1 million rupees? Qatar Zimmedari isko kehte hain. Jab kisi pe aayat hoti hai, to wo bashak pata na ho usko lekin zimmedari iska. तो टाट पे जो है हम इसको कंट्रोल करेंगे अभी, और लास्ट हमारा टॉपिक है जो बाजार में चलेगा, कह रहे हैं ऐसी कोई मुद्रत नहीं जिसकी दाद रस्सी न हो, इसको लैटिन जबान में एक कोटेशन लिखा जाता है उबी जस्टी बी रेमेडियम, ये अंग्रेजी नहीं है, ये समझ नहीं आता, उपाल का सवाल वाला देता है कि मुदज्जा जहर की तश्री करें, कि मुदज्जा जहर क्या है उबी जस्की भी रेमेडियम, ऐसे बात है किसी समझे, ये वो है लातिनी जुबान, लेकिन इस कोटेड वर्ड का मतलब क्या है, दुनिया में ऐसी कोई मुजरत नहीं है, ऐसी कोई हक की खिलाफवर्जी नहीं है जो कौन
डेमोक्रेसी कहीं ना मिलती हो। इस तरह नहीं, हर जगह हर मुल्क में चाहे वो दुनिया का कोई भी सोसाइटी हो, कोई अदालत हो, कोई मुल्क हो, अगर किसी ने किसी के खिलाफ कोई कानूनी खराबी की तो उसकी दादरसी, उसका इंसाफ, उसका फैसला कहीं ना कहीं उसको मिलता है। ये नेचुरल है, बल्कि लोग मुखाफत है। इसने उसके साथ गलती की थी, वो पिछले साल इसने उसके साथ क्या किया था, आज देखो उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये एक नेचुरल कंसेप्ट भी है कि ये मुखाफत अमल है। कोई किसी के साथ करेगा उसके साथ कैसे होगा, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। और इस तरह के जो लोगों के नजरियात हैं उनका मकसद समझिए। तो लिहाजा सिविलाइज दुनिया में, नमरूद के फरमान की दुनिया में शायद ना हो, लेकिन सिविलाइज दुनिया में किसी के साथ जाती हुई है तो उसका जस्टिस, उसका अदल बदल, उसका उसको मिलेगा। तो आज ये जैसे कंक्लूड हो गया, इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट।